सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध आनंद। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है रील टू रियल। जी हां, आपका फेवरेट रील टू रियल, जिसमें हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं बॉलीवुड स्टार्स की पर्दे पर और साथ ही पर्दे के पीछे की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से, जिन्हें लेकर होते रहते हैं सबसे ज्यादा चर्चे। और सबसे खास बात ये है कि इन सबको जानने के लिए आप सभी रहते हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड। और देखा जाए तो ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि कोई भी स्टार पर्दे पर जैसा नजर आता है या फिर सेलेब्स का जैसा रूप आप सभी को पर्दे पर नजर आता है, हटकर वैसा भी हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सलमान की चहेतिया और श्रीलंकन क्वीन जैकलिन फर्नांडिस अपने डांस और बोल्ड अंदाज की वजह से जानी जाती हैं, और अब वो सलमान की फिल्म रेस 3 में भी नजर आने वाली हैं। वहीं अब जैकलिन इस फिल्म के डायरेक्टर और डांसर रेमो डिसूजा की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतना ही नहीं, जैकलिन अपने चहेते सलमान के बारे में भी एक जबरदस्त खुश होने वाली बात बोल गई है। जी हाँ, आजकल जैकलिन रेमो और सलमान की तारीफ करते नहीं थक रहे। बता दें, जैकलिन ने रेमो के साथ पहले भी एक फिल्म फ्लाइंग जट में काम कर चुकी हैं। जैकलिन का कहना है कि उन्हें रेमो के साथ काम करके बहुत मजा आता है। रेमो ने रेस 3 को बहुत शानदार ढंग से बनाया है और वो उनके काम करने के तरीके से काफी इम्प्रेस्ड है। मुझे लगता है कि रेमो अच्छा काम कर रहे हैं। फिल्म की टीम पहले से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए हमें मजा आ रहा है। इस दौरान जब जैकलिन से उनकी फिटनेस को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, सच में फिटनेस को मेंटेन रखने का दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी मुझे इसमें मजा आता है क्योंकि इससे मुझे और ज्यादा फिट रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि वो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के सबसे फिट अभिनेताओं में से मानती हैं। वेल, अब देखना ये कि जैकलिन सलमान के साथ मिलकर फिल्म रेस 3 में क्या धमाल मचाती हैं। फिल्म बाहुबली तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिल्म को रिलीज हुए तो काफी टाइम हो गया है, अब इस चरण के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, हम फिल्म के बारे में नहीं लेकिन फिल्म की एक एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, दरअसल बाहुबली की एक एक्ट्रेस का वीडियो लीक हो गया है, जिस पर लोग काफी भद्दे कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं। जी हां, फिल्म बाहुबली के गाने मनोहरी से फेमस होने वाली एक्ट्रेस नौरा फतेही अक्सर अपने डांस वीडियोस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन एक बार फिर नौरा का एक वीडियो सामने आया है। इस बार नौरा एक अलग अंदाज में डांस करते दिखाई दे रही हैं। बता दें, इस वीडियो में नौरा के मेकअप आर्टिस्ट मार्स पडरोजो भी नजर आ रहे हैं। नौरा ने ये वीडियो कुछ महीने पहले शेयर किया था, लेकिन इस पर आए कमेंट्स की वजह से ये फिर चर्चाओं में आ गया है। मार्स नौरा का मेकअप कर रहे हैं, इस बीच वो डांस करने लगती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहा, इस तरह मेकअप कौन करता है। जानकारी के लिए बता दें, नौरा का ये वीडियो अब तक 800,000 बार देखा जा चुका है। नौरा ने लिखा है कि देखिए हम कैसे मेकअप के लिए तैयार होते हैं। वेल, नौरा का ये वीडियोस को उनके फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब देखना ये है कि नौरा सोशल मीडिया पर दोबारा से कोई नई वीडियो पोस्ट कब करती है। बॉलीवुड में आए दिन कपल्स को इंटीमेट और कोजी होते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्टर फवाद खान की। दरअसल हाल ही में फवाद खान की पत्नी सदा फवाद खान का जन्मदिन था, और इस मौके पर फवाद ने अपनी पत्नी के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी। इस दौरान केक काटते का समय एक वीडियो है, जिसमें फवाद बहुत क्यूट तरीके से उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं और अपनी पत्नी को किस भी कर रहे हैं। बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर फवाद खान और उनकी पत्नी सदा फवाद खान का किस करते हुए वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के इस वीडियो को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, फवाद खान की फैन फॉलोइंग सिर्फ अपने देश में ही नहीं है बल्कि भारत में भी है, और उनके फैंस सोशल मीडिया के जरिए उनसे हमेशा टच में ही रहते हैं। बॉलीवुड के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्म 102 नॉट आउट के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमिताभ ने इस खास काम के लिए सिर्फ 10 मिनट में हामी भर दी थी। जी हाँ, बाप कूल है, बेटा ओल्ड स्कूल है, ये पहली बार है जब बुढ़ापे वाली कहानी को जवानी वाले जोश के साथ पेश किया जा रहा है। बता दें, 102 नॉट आउट कुछ ज्यादा ही खास हो गई है। आखिर ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन पूरे 27 साल बाद एक दूसरे के साथ जो आ रहे हैं,
वो भी बाप बेटे बनकर, यानी कि ऋषि कपूर के पापा बनकर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में अपना किरदार निभाएंगे। और वहीं ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन के 75 साल के बेटे बने हैं और वहीं अमिताभ 102 साल के उनके पापा बने हैं। तो कहानी में अजूबे वाली बात तो होनी ही थी। बता दें, जब डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने बिग बी और ऋषि कपूर को 102 नॉट आउट की स्टोरी सुनाई तो दोनों ने ही सिर्फ 10 मिनट की स्क्रिप्ट नरेशन के बाद फिल्म करने को तैयार हो गए। और इसी के साथ ओ माई गॉड का डायरेक्टर उमेश शुक्ला को अपनी अगली फिल्म के लिए एक जबरदस्त जोड़ी मिल गई। बॉलीवुड के बाजीराव और उनकी मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे जाने माने कपल में से एक है। पिछले कई दिनों से शादी की खबरों को लेकर ये दोनों भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबर तो ये भी आई थी कि दोनों इस साल के एंड तक शादी कर लेंगे, लेकिन जब ये बात रणवीर से पूछी गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी कुछ खुलकर बात करते नजर नहीं आए, लेकिन इन दोनों को देखकर तो ये साफ जाहिर होता है कि ये कपल एक दूसरे से कितना प्यार करता है। और अब हाल ही में इन दोनों का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें, रणवीर और दीपिका पादुकोण वीडियो में एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। बता दें, रणवीर ने अपनी मस्तानी को यानी कि दीपिका पादुकोण को पीछे की साइड से हग किया हुआ है और दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है और खूब इंटीमेट भी होते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें, ये वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। इन दोनों के वीडियो को लोग बेहद पसंद भी करते नजर आ रहे हैं। वेल, अब देखना यह है कि ये दोनों इस साल शादी करते हैं या नहीं, लेकिन उनके फैंस उनकी शादी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि ये दोनों अब जल्द शादी कर लें। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से जाने जाते हैं। वहीं अक्षय की फिल्म का लोग काफी बेसब्री से इंतजार भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन फिल्म केसरी की शूटिंग करते वक्त अक्षय के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, फिल्म केसरी के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार घायल हो गए हैं। जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ उस वक्त फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था जिसमें युद्ध का सीन फिल्माया जा रहा था। बता दें, जख्मी होने के बाद अक्षय कुमार फौरन सेट से चले गए। हालांकि वहां उनका चॉपर स्टैंड खड़ा था, मगर मुंबई जाने के बजाय वो सेट के पास मौजूद अपने एकोमोडेशन में रेस्ट करने का फैसला किया। खबर के मुताबिक अगर अक्षय एक दिन आराम करेंगे और अगर उनकी सेहत में सुधार हुआ तो शूटिंग भी शुरू कर देंगे। वेल, अक्षय के इस फिल्म का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि अक्षय जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी शूटिंग पर जल्द चले जाए और जल्द से अपनी फिल्म की शूटिंग कर दे। बॉलीवुड में कैट फाइट अक्सर देखने को मिलती है और आज हम बात करेंगे सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन की। सोनम कपूर अपने बेबाक बयानों की वजह से भी जानी जाती हैं। जी हां, आपको बता दें, सोनम कपूर बॉलीवुड में फैशन दीवा और एक बेबाक बयानों की वजह से जानी जाती हैं। और अक्सर सोनम कपूर फैशन के मामले में ऐसे चैलेंजेस लेती हैं जो कोई और एक्ट्रेस लेने से बेहद डरती है। वहीं अब सोनम कपूर एक और नए लुक में नजर आई हैं। बता दें, एक लग्जरी वॉच ब्रांड के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर सोनम कपूर वहां शिरकत करने पहुंची और वहां पर सोनम कपूर ने येलो कलर का आई शेडो लगाया हुआ था और काफी अजीब लग रही थी। और वहीं अब अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की तो बता दें, सोनम कपूर फैशन के मामले में सबसे ज्यादा अपनी बहन रिया कपूर की सलाह पर यकीन करती हैं। तो वहीं अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की तो जब ऐश ने एक इवेंट में पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाई थी तब सोनम ने उन्हें आंटी बोल दिया था और सोनम की ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए थे। लेकिन अब खुद सोनम ऐसे ऐसे स्टाइल करती हैं जिनमें वो बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आती और भद्दी लगती हैं। वेल, आपको बता दें, सोनम कपूर ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर खुद शेयर करी और उन्हें लोग खूब भद्दी तरह से ट्रॉल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम वैसे तो दूसरों को स्टाइल को लेकर कुछ न कुछ बयान देती ही रहती हैं, लेकिन इस बार वो खुद इतनी भद्दी लग रही थी कि उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रॉल होना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने आप सभी के फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स की रील से लेकर रियल लाइफ के बारे में, जो हमेशा बने रहते हैं अपनी इसी लाइफ को लेकर लाइमलाइट में। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Subscribe and press the bell icon for latest updates.